तुम कोशिश भी मत करना इस गार्डन में आने की। क्यों, ये मेरा घर नहीं है। मैं पुलिस को बुला लूंगी अगर तुम इधर आए। लड़के ज्यादा अरसा बाहर नहीं रहते, वरना घर पे कब्जा हो जाता है, जो कि तेरे साथ हुआ, समझा। अब ये घर मेरा है और आंटी का। सही बोल रहा है ये। तुम करते क्या हो? या तो इस घर का किराया दो। मैं इस घर का किराया दूं? मैं आपसे इस घर का किराया मांगू? तू इस आंटी से घर का किराया मांगेगा? तू है कौन? ये इस आंटी का घर है। तू हमारे मामले में क्यों पड़ रहा है? बहुत सॉरी, ये हमारे मामले में इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैंने इसको बुलाया है, समझे हो। मैं आप सुनो मेरी बात, सुने। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, या मुझे किराया दो यहाँ पर रहने का, समझो। हे तुम कौन हो? हेलो, आप लगता है कुछ पर्सनल मैटर में बिजी हैं। फ्रैंकलिन माइकल का बच्चा। हे तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? शट अप, शट अप। पैसे अपनी स्किन का ध्यान रखिए प्लीज। आप वैसे ही बड़ी प्यारी हैं। और आप ना जाइए पार्लर कीजिए, जाइए घूमिए फिरिए खाइए पिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। फ्रैंकलिन, मैंने सोचा मेरे बच्चे आज हम एडवेंचर करेंगे, और मैंने सोचा तू सिर्फ माइकल का बच्चा तो नहीं है ना, मेरा भी बच्चा। मैं किसी का बच्चा नहीं हूँ, समझे हो। और ये तुम लोग मुझे बच्चा बच्चा बुलाना बंद करो। मैं वैसे भी आज इसके साथ कहीं जा रहा हूँ। हाँ, हमने वो काम भी करना था। मैं भी चल सकता हूँ तुम लोगों के साथ। ये कौन है? मैं उसको जानता ही नहीं, मैं इसको नहीं लेके जाऊँगा अपने साथ। ये वो माइकल का पुराना दोस्त है। ओह, तुम लोग मुझे नहीं जानते। मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, तुम लोग कुछ भी कर लो। चल यार, इसको भी लेके चलें और मैं ड्राइव करता हूँ। मजाक बनाया मैं मेरी ज़िंदगी का। तुम बहुत बुरा ड्राइव करते हो, मैं ड्राइव करूँगा। चुप करके बैठे रहो। हे, दरवाजा खोलो। तुम पार्सल लाए हो? हाँ, मैं लाया हूँ। तुम पहले मुझे माल दिखाओ। हाँ, तुम पहले मुझको पैसा दिखाओ। अच्छा, पैसा देख लिया, अब तुम मुझे माल दिखाओ। ये लो माल, अच्छा माल है। तुम ये बस एक सैंपल है, तुम अच्छे से ट्राई कर लो। मुझे तुम पर यकीन है। चलो फिर चलें, अब अगर माल भी ले लेते हैं। और चलो, एक मिनट रुको, तुम इसको उल्टी साइड से हमें चेक कराओ। क्या बहुत सड़ी के? मुझे पता था तुम जैसे बच्चों से पार होके आज तक हम यहाँ आए हैं। ओए, तू हमें धोखा दे रहा था। ओए, ये लोग चोर हैं। रुक, शिट। हम लोग बहुत बुरा फंस गए, पुलिस हमारे पीछे। What the fuck are you doing? Hey, they taking clips, shit! This way! My God, तुम्हें पता नहीं सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है? नहीं हुआ तो बस टेंशन। मैं फंसा रहता हूँ तो मैंने आज सोचा थोड़ी सी पी लेते हैं। क्यों? अच्छी बात है, तुम बताओ अब यहाँ मुझे क्यों बुलाया तुमने? वो उस आदमी के लिए साथ कुछ करना है, अब मुझे भी नहीं पता। तुम चलो मेरे साथ अंदर, फिर देखते हैं हमें क्यों बुलाया गया है यहाँ। अब कुछ देखते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ नहीं, कुछ नहीं। तुम यहाँ हग रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं यहाँ हग रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहन चुत, मैं तेज़ी पर नज़र रखूँगा। कुलपाश से बड़ी बूबो की आवाज़ें आ रही थी। क्यों? लेडीज, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो यहाँ पर। चलो, तुम्हें तो मैं जानता हूँ, तुम्हारे साथ पहले भी काम किया, लेकिन तुम कौन हो?
और मैं कभी लंदन कभी पेरिस में अपना नाम बनाने वाला, मैं एक ही हूँ, एक ही। चलो फिर मैं बाद में मिलते हैं। हाँ क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा था? तुम आगे चलो। अब गौर से बात सुन लो मेरी, डेविन वेस्टन। ये थे डेविन वेस्टन, मेरे बहुत करीबी दोस्त, एक मशहूर बिजनेसमैन जो कि यहाँ का बिजनेस संभालते हैं, और तुम इनके मुकाबले में इनकी ये हमारा साथ अच्छा नहीं कर रहा। देव कैसे हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ तो देव, हमें क्या करना है आखिरकार? यार तुम पता थे क्यों नहीं? माइकल सुनो, अब इस आदमी की हमें इसकी पिटाई करनी है और इससे उस आदमी का पता लगाना है। मुझे क्या पता? इस आदमी ने जिस आदमी का भी पता बताया उसको हमें कत्ल करना है। और याद रखो, तुम मेरे साथ होगे और ट्रेवर तुम इस आदमी पर खूब तशद्दुद करोगे, समझे हो? अरे आप तो कानून है, आप क्यों मेरे पर तशद्दुद करा रहे हैं? समझो मैं हूं ही नहीं। यार देव, तुम्हारी गाड़ी तो कमाल है। चलो अपने घर के करीब, पीछे जो तुम्हारा घर नहीं बना हुआ उस पे ले चलो, उधर एक पता चले। यार देव, यहाँ तो बड़े अरसे से शूट चल रही है, लगता है उसने हमें धोखा दिया। हम एक और एड्रेस निकलवाएंगे, फिक्र मत करो। अभी तुम अपने घर के पीछे वाली कॉफी शॉप पे ले लो। हेलो, उसने हमें गलत एड्रेस दिया है। ड्राइवर, इसने हमें गलत एड्रेस दिया है। इससे वाओ असली एड्रेस। हाँ तुम ही बता दो, तुम पे किस चीज से जुल्म करूँ? यहाँ क्या क्या चीजें हैं? बहुत कुछ है, मजा नहीं आया। चल अब तू अपने एक दांत को चूज कर ले, बता कौन सा। अच्छा ठीक है भाई, भाई कुछ बताने का फैसला किया तुमने? ये एड्रेस है, बस मुझे इतना ही पता। हाँ देव, यही एड्रेस है। हाँ तो ठीक है, हमें एक और एड्रेस मिला है, चलो उधर चलें, कॉफ़ी अच्छी थी। देव यार, मैं इसका कुछ साथ रखूँ। तुम पता करो आदमी कौन है, वहाँ तो पार्टी चल रही है एक, इसको और मारो और इससे पता करो कि वहां उनमें से आदमी कौन है। बता मुझे कि वो आदमी कौन है, जल्दी वरना अच्छा नहीं होगा, तेरी टांगे टूट जाएंगी। बता देता हूँ भाई, ए ए जल्दी बताओ वो आदमी कौन है, वरना वही दोनों टांगे टूट जाएंगी। मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी लंबी दाढ़ी है और वो कुछ और वो कुछ ऐसा सच मौलवी टाइप का दिखता है। हाँ हाँ, और बोलो जल्दी, ड्राइवर बंद करो। हाँ तो वो उसकी कुछ लंबी दाढ़ी है और वो कुछ मौलवी टाइप का दिखता है, जल्दी देखो। लंबी दाढ़ी मौलवी टाइप का, पता कहाँ है, वरना वो हाल करूँगा कि तेरी नस्ते तड़पेंगी। हम दोबारा और आखिरी दफ़ा पूछ रहे हैं, बताओ कौन है वो। हाँ तो वो बोल रहा है कि उसको इतना ही पता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी दाढ़ी है। पता दे वरना अच्छा नहीं होगा, अब क्या करें? लंबी दाढ़ी टट्टा जैसे शक्ल, क्या किया जाए? देख चल तू हमारे साथ, वो बंदा तो मिल गया लेकिन अब तू इस मुल्क में नहीं रह सकता। चल मैं तुझे लेके जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन मेरे दो बच्चे हैं। उन दो बच्चों को भूल जाई, अल्लाह हाफिज। क्या मसला है तुम्हारा? तुम मेरे घर में सिगरेट और शराब पी रहे हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम जो हो, तुम जैसे दिमाग खराब इंसान से शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। जाने मन, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है तुम्हारे साथ। मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है ना, मुझे तकलीफ़ हुई है,
अच्छा मुझे नहीं लगता तुम तबाह जाओ मेरी सामने से, मैं अच्छी खासी मूवी देख रहा था। तुम मेरे घर में आज के बाद ना कभी शराब पियोगे ना सिगरेट। किसी को योगा करनी है तुम अपनी योगा अपने अंदर क्यों नहीं घुसाते? बहुत सारीगा। नमस्ते। नमस्ते। आप माइकल जनाब योगा किया करें। तुम्हें क्या लगता है योगा इतनी आसान है? ये तो कभी भी नहीं कर सकता, सुस्त और काहे लोगों के लिए नहीं है योगा। मैं जानता हूँ सुस्त और काहे लोगों के लिए नहीं है योगा, लेकिन प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। आइए माइकल जनाब आज आप हमें ज्वाइन कीजिए। चलिए। क्या बकवास है ये? माइकल जनाब आपको अपनी फैमिली और अपने घर वालों को खुश रखने के लिए पहले खुद सुकून में होना चाहिए। मैं अपनी फैमिली और घर वालों को सुकून में ही रखता हूँ, समझे हो? योगा हर सवाल का जवाब है माइकल, तुम्हारा लेकिन क्या क्वेश्चन है? तुम दिमाग खराब इंसान, ये क्या करना चाहते थे तुम? तुम ऐसे थे और ऐसे ही रहोगे, तुम एक पागल के बच्चे हो, घटिया इंसान, दफा हो जाओ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है इस दुनिया में? किन कुत्तों के बच्चों के साथ फंस गया हूँ मैं? कहाँ है वो मोटा जिमी? जिमी, जिमी, कहाँ है ये? जिमी, क्या हुआ आपको? मुझे क्यों बुला रहे हो? तंग मत करे, मेरे दोबारा टीवी तोड़ना चाहते हैं आप? मुझे पता है मेरा टीवी दोबारा तोड़ना चाहते हैं। मैंने अपने पैसों से लगवाया है टीवी, दबा दे आप जैसे पिछले वो मेरा टीवी तोड़ दिया। ओह मुझे माफ़ कर दो उस बात के लिए। आओ हम दो फन करते हैं, तुम्हारे कुछ दोस्तों से मिलेंगे। लेकिन मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहता। अच्छा मेरे किसी दोस्त से मिलना है? अच्छा चलो मैं आपको अपने दोस्तों से मिला दूँ। चलिए लेकिन ये बात है कि मेरे कुछ दोस्त से मिल के आपने अगर कोई फालतू हरकत की ना तो मैं आपसे कभी बात ही करूँगा ज़िंदगी में। ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने कोई गलत हरकत नहीं करूँगा, तुम मुझे अपना बताओ। चले चले ठीक हो, यो ब्रो कैसे हो? वो कौन है वो जवान बुढ़ा आदमी? वो मेरे बाप है। ओ कैसे है? चल आप जिमी ये तुम्हारा दोस्त है? ये तुमसे कुछ ज़्यादा ही नहीं पढ़ा नहीं? ओ मोटे ये आदमी कैसा कितना फनी है। अब जल्दी चलो जिमी, कोई न्यू स्टफ है? हाँ लाता हूँ मैं, तू फिक्र मत करो। जिमी ये कैसा दोस्त है तुम्हारा? ओ यार ये लो, ये बिल्कुल नया स्टफ है। थैंक यू बाबा, देखो नया स्टफ मिल गया आज। ये किस तरह का नया स्टफ है समझे हो? तुम मुझे लग रहा है गलत हरकतों में पड़ गया हो। बाबा आप ट्राई करेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बाबा थोड़ा सा ट्राई करके तो देखो, जल झूम उठेगा। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तंग मत करो। अच्छा चलो तुम हमारी माँ ने शराब भी पीने दी तो दे दो मुझे। ओह ये जिमी ये क्या कर रहे हो? जिमी ये क्या कर रहे हैं? बोल भी कर मुझे, मेरा दिल तोड़ता है बुढ़ा है आपको। दफा दो यहाँ से बुढ़े इंसान। जिमी जिमी
हेलो माइकल, मैं मिंदा, मैं तुम्हारे घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने में कुछ बदलाव पैदा करो, कुछ ऐसा बदलाव जिसका पूरा असर हम पे बच्चों में ना हो। मुझे अभी भी जिमी ने बताया कि तुमने ड्राइविंग करते हुए शराब पी और उसको भी पिलाई, जो कि बहुत गलत है। तुम एक गलत जगह पर हो और चोरी चकारी करती हो। मैं नहीं चाहती कि इस चीज़ का असर हमारे बच्चों पे पड़े, इसलिए मैं कुछ देर से ले जा रही हूँ।